स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रोसेसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को कैसे अलग करना है, स्पूलिंग वाला मेथड हमने पढ़ लिया था चिल्ड एल्कोहल के साथ। फिर हमने कहा फ्रेगमेंटेशन करेंगे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम के द्वारा, और फिर उन फ्रेगमेंट्स को हम लेंथ के बेसिस पर अरेंज करवा लेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और हमारे डिजायर जीन का वहाँ से आइसोलेशन कर लेंगे, पहचान लेंगे कि हमारा डिजायर जीन है। और उसके बाद हमने करेंगे इसका एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन बाय द पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम लास्ट लेक्चर में बात पढ़ चुके हैं कि भैया ये हाई टेम्परेचर पे करवाया जाता है डीएनए का, एक तरह से लेबोरेटरी के अंदर ये रेप्लिकेशन है, सही है। अब आगे के मेथड्स और क्या क्या हो सकते हैं, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि भाई अब क्या है कि आपने एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन कर लिया है, अब क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ द जीन, डिजायर जीन इनटू वेक्टर। अब जब आप ये काम करेंगे तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, तो हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। और ये जो लाइगेशन है बच्चे, जैसे मैं कहूंगी भाई वेक्टर मेरे पास प्लाज्मिड डीएनए था, अब प्लाज्मिड डीएनए को हमने आरई से क्या कर रखा था, कट, और उस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर हम कहें कि भाई हमें हमारा डिजायर जीन ऐड करना है, बोलेंगे कि ये डिजायर जीन है, तो बताइए कि ये लाइगेशन कौन सा एंजाइम करवाएगा, तो हम करवाएंगे कि भैया ये काम करवाएगा एंजाइम लाइगेस। और लाइगेस क्या करेगा कि ये जो हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए है, इस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर ऐड कर देगा किसे, डिजायर जीन को, और फाइनली हमें यहां पर जो मिल जाएगा बच्चे वो मिल जाएगा आर डीएनए। तो बेसिकली अगला काम जो है बच्चे वो लाइगेशन ऑफ डिजायर जीन था, किसके अंदर, हम कहते हैं वेक्टर के अंदर। ये काम होने के बाद आप क्या करेंगे, ये काम होने के बाद हम बताते हैं कि भाई अगला काम हमारा है इंसर्शन करवाना। सबसे पहले तो बात ये समझ लो कि जो डिजायर जीन होता है, डिजायर जीन एड इन या एट क्लोनिंग साइट, ये ध्यान रखिएगा कि वे क्लोनिंग साइट पर क्या हुआ है, ये ऐड हुआ है, जो कि हमारे लिए एक सिलेक्टेबल मार्कर का काम भी करता है, सिलेक्टेबल मार्कर का काम भी करता है क्लोनिंग साइट को हम, हाँ सिलेक्टेबल मार्कर भी कहेंगे। आपको अगर याद हो तो लास्ट से लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात भी समझाई है कि सिलेक्टेबल मार्कर से सिलेक्ट कैसे किया जाता है, पीबीआर 322 का एग्जाम्पल देते हुए एनसीईआरटी का मैंने आपको ये बात समझाई थी। अब आप बताइए कि लाइगेशन होने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, इसके बाद क्या करना है, इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इनटू द होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। इसमें एक हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे अगर आपको याद हो, इसके लिए जब आप मेथड्स की बात करते हो तो हमने कहा कि भाई एक तो हमारे पास है डायरेक्ट मेथड कि डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर करवा दो, एक तो था माइक्रो इंजेक्शन और एक था जीन गन या बायोलिस्टिक गन। लेकिन वहीं पर दूसरा मेथड हमारे पास था बच्चे इनडायरेक्ट मेथड, और जब इनडायरेक्ट मेथड की हमने बात करी थी तो इनडायरेक्ट मेथड में एक तो था हीट शॉक, आप याद करिए कॉम्पिटेंट सेल बनाई थी हमने डाइवेलेंट या बाइवेलेंट का यूज करते हुए, कैल्शियम आयन के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा था। और हीट शॉक के साथ साथ हम बताएंगे बच्चे कि इन प्लांट्स टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ह्यूमिफेसियंस। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करोगे तो हमने पढ़ा था रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। तो आपको याद करवा दूं मैं कि भैया इससे हमने क्या किया है, एंटर करवा दिया है हमारे डीएनए को किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, या तो ये तरीका या ये तरीका। और जो हमने डिजायर जीन ऐड करवाया है वो सिलेक्टेबल मार्कर वाली जगह पे ऐड करवाया है। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि भाई इसे और इसे
एक ही पैराग्राफ में लिख दिया है दोनों पॉइंट्स को, ये वाला जो दोनों पॉइंट है ना इनको सेम पैराग्राफ में लिख दिया है। कौन से वाले में? इंसर्शन ऑफ द आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल के अंदर, उसमें एनसीईआरटी ने सिलेक्टेबल मार्कर की बात भी कर ली और इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की भी बात कर ली कि हमने डीएनए को इसके अंदर पहुंचा दिया है। ये होने के बाद लास्ट जो आपका बच्चे मेथड मतलब तरीका बचा है आपके पास अब, वो है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये वाली सीक्वेंस आप एज इट इज याद रखिएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपको मिलना है लाइगेशन वाले के बाद मैं चलूंगा आगे, तो लास्ट पॉइंट हमारे पास इस सीक्वेंस के बाद है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, उस पे बात करते हैं। एनसीईआरटी ने हमें बायो रिएक्टर के बारे में बताया है। इस लेक्चर में आज हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम एप्लीकेशन शुरू करेंगे, साथ ही साथ बायोमोलिक्यूल्स। और दूसरी बात यह है कि दीपावली की छुट्टियां आ रही हैं तो हम आगे का भी टॉपिक के बारे में कुछ सोच पाएंगे, ठीक है, पढ़ते रहिएगा आप। तो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट की बात करते हैं अब हम, कि फॉरेन जीन प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन करना है। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि भाई हमारे पास मान लीजिए ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में अपना डीएनए था जिसे कि हम न्यूक्लियोइड कहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसके पास अपना एक आरडीएनए भी प्रेजेंट है। अब आप बताइए इस आरडीएनए में हमारा प्रेजेंट है बच्चे डिजायर जीन, डिजायर जीन का मतलब है डीएनए। अब आप बताइए कि वो इस सेल के अंदर आरएनए बनाएगा और आरएनए बनाकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, आरएनए बनाकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अब आप बात देखिए कि भाई यहां पर जो डिजायर जीन था ये वाला, ये आरडीएनए में प्रेजेंट था और इस आरडीएनए से ही हमारा आरएनए बनकर प्रोटीन बनेगा, तो बताइए इस प्रोटीन को आप एक तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे क्योंकि फॉरेन जीन को आपने किसी एप्रोप्रिएट वेक्टर मतलब आपके वेक्टर के अंदर डालकर एक सेल में डालकर आपने उससे अपना काम करवाया है। अब एक बात को यहां समझना होगा कि भाई जब हमें इस प्रोटीन की, या मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो मैं इस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर भी तो ग्रो करवाऊंगा। भाई मैंने आरडीएनए क्यों बनाया? मैंने आरडीएनए बनाया ताकि मेरा डिजायर जीन एक सेल के अंदर जाके अपनी ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन का सिंथेसिस करे। लेकिन क्या प्रोटीन मैं थोड़ा सा ही बनवाऊंगा? बोलो नहीं, प्रोटीन हमें लार्ज स्केल पर फॉर्म करवाना है। तो हम क्या करें, इस बैक्टीरियल सेल का जो हमारे पास कल्चर है, बहुत सारी बैक्टीरियल सेल है, तो क्या इस बैक्टीरियल सेल को हम सीधा ही बायोरिएक्टर में डाल के लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करवाएं? तो बताइए हम ऐसा नहीं करते। एनसीईआरटी ने हमें ये बात समझाई है, पहले एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है लार्ज स्केल का, फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने समझाया है कि भैया आप इसे क्या करिए, पहले कम अमाउंट के मीडियम के अंदर ग्रो करवाइए, अगर ग्रोथ अच्छी होती है तो फिर आप इसे लार्ज स्केल पर लेकर जाइए। जैसे आप बताइए कि भाई हमने तीन कल्चर मीडियम बना लिए या चार कल्चर मीडियम बना लिए, ऐसे एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है, ये चारों कल्चर मीडियम है, मैं आपको बताऊं, मैं इनको कल्चर मीडियम बता रहा हूं, सीएम का मतलब यहां क्या है, कल्चर मीडियम है, ये कल्चर मीडियम ए, ये कल्चर मीडियम बी, ये कल्चर मीडियम सी, ये कल्चर मीडियम डी। हमने इसमें बैक्टीरियल सेल को डाला, इसमें बैक्टीरियल सेल को डाला, इसमें भी बैक्टीरियल सेल को डाला और इसमें भी बैक्टीरियल सेल को डाला। यहां पर बैक्टीरियल सेल जो है बच्चे वो पर आर 50 बन रही है, यहां पर आर 30 बन रही है, यहां पर आर 100 बन रही है और यहां पर आर 25 सेल्स बन रही है। तो बताइए चार अलग अलग कल्चर मीडियम हमने बैक्टीरिया के लिए यूज किए ग्रोथ के लिए, सारे बैक्टीरिया सेम थे हमारे,
जिनके अंदर हमारा आरडीएनए प्रेजेंट था। तो सबसे पहले तो आपने इनको छोटे छोटे कल्चर मीडियम्स में ग्रो करवाया और ग्रो करवा के देखा कि कौन से कल्चर मीडियम में ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। चलिए जी, इस वाले में ये बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें हमारा प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, इसमें हमारा हाँ प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, जो हमें प्रोटीन चाहिए ना यहाँ पर, तो वो प्रोटीन भी हमें इसके अंदर मिल जाएगा आरडीएनए के साथ। तो प्रोटीन तो बोलो हर कल्चर में बनेगा ही, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया ज्यादा है तो यहाँ प्रोटीन भी ज्यादा बनेगा। उस प्रोटीन को हम इस सेल से अलग करके उसका हम क्या करेंगे, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर ये ओके निकलता है तो अब इसे हम लार्ज स्केल पर लेकर जाएंगे, लार्ज स्केल पर लेकर जाएंगे। कारण क्या है कि भैया अगर आप कम वाले मीडियम के अंदर ग्रो करवाते हो तो बताओ कि जब ये बैक्टीरियल ग्रोथ ग्रोथ करेगी, जितनी फास्ट ग्रोथ करेगी उतना फास्ट वो इस कल्चर मीडियम के न्यूट्रिशन को कंज्यूम करती जाएगी, तो धीरे धीरे यहां पर न्यूट्रिशन की क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। तो हम कहते हैं कि इसको हम लार्ज स्केल पर ज्यादा न्यूट्रिशन के साथ ग्रो करवाएंगे ताकि हमें बार बार न्यूट्रिशन चेंज ना करना पड़े, हमें बार बार न्यूट्रिशन चेंज ना करना पड़े। तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने कल्चर मीडियम डिसाइड कर लिया कि भाई कल्चर मीडियम सी जो है उसमें ये बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छे से हो रही है, उसमें यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से होगा। तो सबसे पहले तो हम इसी कल्चर मीडियम को यूज करेंगे इस बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, इस बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। तो हम अब क्या करेंगे, इसे हम लेकर आएंगे अब बोलो लार्ज स्केल पर। जैसे मैं कहूं कि भाई हमारे पास अब एक ये बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर एक टैंक है, एनसीईआरटी ने दो टैंक हमें बना के दिए हैं, सिंपल स्टीयर टैंक बना के दिया है। तो पहले मैं सिंपल स्टीयर टैंक की ही बात कर रहा हूं, यूं है, इसमें भर दिया गया है कल्चर मीडियम को, जिसे कि एनसीईआरटी ने कल्चर ब्रोथ लिखा है ना। अब उससे पहले ना यहां एनसीईआरटी के अंदर अगर देखोगे डायग्राम के अंदर, ध्यान से पहले इस डायग्राम को समझ लो, उसके बाद इस डायग्राम के बारे में देख भी लेना। यहां एनसीईआरटी ने एक एंट्री पाइप आपको दिखाई है जिसे कि स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन एनसीईआरटी लिखती है, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन लिखती है। स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन बोलो, अंदर ये टैंक खाली है, मान लीजिए अभी हमने कल्चर मीडियम में इसमें भरा नहीं है, तो आप बताइए यहां से हम क्या करेंगे, इसमें हाई टेम्परेचर वाली स्टीम जो होती है बच्चे, गर्म धुआं एक तरह से मान लीजिए आप, है ना, भाप कहते हैं जिसको हम, वो इस पूरे में हम भेजेंगे फुल प्रेशर के साथ, ताकि अंदर इसके कोई भी अगर कॉन्टामिनेशन हो, कोई भी अगर माइक्रोब पहले से प्रेजेंट हो, तो पूरी तरह से अंदर से ये साफ हो जाए। उसके बाद हम इसमें भर देंगे हमारा कल्चर मीडियम, और उस कल्चर मीडियम को एनसीईआरटी ने बोला है कल्चर ब्रोथ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी उसे बोलती है कल्चर ब्रोथ। अब साथ ही साथ आपको बताना है कि भाई एनसीईआरटी का डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां एनसीईआरटी ने आपको लगा के दी है मोटर, और यहां एक मीटर लगा हुआ है जिस मीटर को हमने बोला है बच्चे पीएच कंट्रोलर, ठीक है, यहां से टेम्परेचर और पीएच को रेगुलेट किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि ये जो टैंक होता है हमारे पास, इस टैंक में डबल लेयर होती है, और ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला खाली एरिया दिख रहा है, इसमें टाइम टू टाइम ठंडा पानी या बर्फ या कुछ भी आप ऐसा मटेरियल डालते हैं जिससे कि इसका टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे। आप सोचो अंदर का टेम्परेचर अगर ज्यादा ही राइज हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए साइड में बिल्कुल इसके चारों तरफ से बच्चे डबल लेयर होता है ये, इसके अंदर ठंडी चीज पानी बर्फ डाला जाता है ताकि टेम्परेचर जो है वो कम ज्यादा किया जा सके। तो हमें यहां से एक तो पीएच कंट्रोलर
मिल रहा है, और साथ ही साथ हमें यहाँ से इसके टेम्परेचर के बारे में पता चल रहा है कि अंदर का टेम्परेचर कितना है। एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो फ्लैट ब्लेड इंपेलर भी लिखे हैं एनसीईआरटी ने, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है फ्लैट ब्लेड इंपेलर्स। जब ये मोटर अपने एक्सिस पर घूमेगी तो बताइए कि ये वाली शाफ्ट घूमेगी, इस शाफ्ट के घूमने से क्या होगा कि भाई ये शाफ्ट घूमेगा तो इंपेलर अंदर हिलेंगे, जब ये हिलेंगे तो कल्चर मीडियम को मिक्स करते रहेंगे, इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन है वो नीचे ना बैठ के पूरे मीडियम के अंदर बच्चे मिनरल्स वगैरह जो भी न्यूट्रिशन आपने अंदर डाला है वो मिक्स होता रहेगा टाइम टू टाइम। अब आप बताओ अगर इसको लगातार हिलाते रहोगे, जैसे कि हम हमारे मिक्सी वाले जार के अंदर जूस या जब हम शेक बनाते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ झाग आ जाती है, तो आप बताएंगे कि यहां पर लगातार झाग बनती रहेगी, इसकी इंक खत्म हो गई है, यहां पर लगातार क्या बनती रहेगी, झाग बनती रहेगी। तो बोलो उस झाग को खत्म करने के लिए यहां पर हमें बताना है कि फॉर्म ब्रेकर भी लगा होता है, फॉर्म ब्रेकर लगा होता है, और ये फॉर्म ब्रेकर जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये भी घूमता रहेगा और लगातार फॉर्म को खत्म करता रहेगा। बच्चा कहता है फॉर्म खत्म करने से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि भैया यहां पर आप क्या करते हो, नीचे से एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको एनसीईआरटी बताएगी स्टेराइल एयर, स्टेराइल एयर का मतलब है कि आप लगातार इसके अंदर हाँ O2 को भेजते जा रहे हैं, ऑक्सीजन को भेजते जा रहे हैं ताकि अंदर जो ग्रोथ करने वाला माइक्रोब है वो अच्छी खासी अमाउंट में अंदर अच्छे से ग्रोथ कर पाए, तो ऑक्सीजन लगातार भेजते रहते हैं ताकि कल्चर मीडियम के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना आए। और नीचे की तरफ आप बताएंगे कि इसके यहां पर सेंटर में हमने लगा रखा है बोलो वॉल, जिससे हमें इसे टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे, खाली करते रहेंगे। इसे एनसीईआरटी ने सिंपल स्टीयर टैंक बोला है बच्चे, सिंपल स्टीयर्ड टैंक, ये ध्यान रखो आप। जब आप इस टैंक की बात करते हो तो एनसीईआरटी कह रही है कि यहां हम प्रोडक्शन 100 से लेकर 1000 लीटर तक का कर सकते हैं, इन टैंक्स में हम प्रोडक्शन 100 से लेकर 1000 लीटर तक का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी बता रही है सिंपल स्टीयर्ड टैंक आपको बता रही है, स्टीयर्ड बोलो स्टीयर्ड बोलो, टीआई है तो टायर्ड भी बोल सकते हैं। तो आप बताएंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम बना है और इसके अंदर हमने अपने बैक्टीरिया को डाल दिया है, बैक्टीरिया हमने इस पूरे कल्चर मीडियम में एक को डाला, एक से ये अनेक हुए, लगातार प्रोडक्शन करते रहे और अंदर बच्चे बैक्टीरिया के नंबर और हमारी प्रोटीन की अमाउंट इसके अंदर बढ़ गई क्योंकि हमारा डिजायर जीन यहां पर लगातार प्रोटीन का सिंथेसिस करता ही जा रहा है, यह आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा एनसीईआरटी हमें कह रही है कि भाई स्पार्ज स्टीयर टैंक भी है हमारे पास बायोरिएक्टर में, अगर आप देखेंगे डायग्राम को, पहले डायग्राम के साथ दूसरा आपको एक और मिलेगा स्पार्ज स्टीयर टैंक, उसमें भी कहानी सेम है, बस नीचे से ऑक्सीजन ट्रांसफर करनी है ना, वो बबल्स की फॉर्म में आपको ट्रांसफर करनी है, बबल्स की फॉर्म में, जैसे यही एक टैंक है एज इट इज, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है, उसमें भी मोटर लगी हुई है लेकिन ये जो मोटर से घुमाया जा रहा है, जैसे यहां फ्लैट इंपेलर लगे हुए थे एक शाफ्ट के ऊपर, यहां ऐसा नहीं है, यहां एक ऐसा हाँ रोड लाइक स्ट्रक्चर लगी है, वो घूमती रहेगी और कल्चर को मिक्स करती रहेगी, ग्रोथ को मिक्स करती रहेगी, सही है। साथ ही साथ आपको समझना है कि बाकी सारी चीजें तो वही है कि भाई इसमें भी यहां पर हम बताएंगे कि भाई क्या भरा हुआ है, तो ये बता देंगे हम कल्चर ग्रोथ भरा हुआ है, सेम टू सेम वही वाल्व वगैरह लगा हुआ है इसमें भी, सब पीएच टेम्परेचर कंट्रोलर है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी आपको बताती है कि यहां पर एक हमने ट्यूब लगा रखी है जिससे कि हम स्टेराइल एयर को अंदर भेजेंगे और इसमें बहुत सारे छेद हैं, यहां पर जैसे यहां से तो एक ही पाइप भेज रहे थे और लगातार वो ऑक्सीजन को मिक्स कर रही थी, लेकिन जब आप इसमें देखोगे तो आप बताओगे कि उसमें नीचे की तरफ क्या है, हाँ
एक पाइप ऐसे लगी है और नीचे से प्रेशर से जब हम एयर देंगे तो यहां से बच्चे आप बताइए कि बबल्स बनते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ये बबल्स हैं, ये बबल्स ऊपर जा रहे हैं और एनसीईआरटी ने यहां मैग्नीफाइंग ग्लास बना के आपको एक बबल बना के दिखाया कि भाई ये बबल जो है वो चारों डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वो एक तरह से तूफान सा ला देते हैं पूरे सिस्टम के अंदर, जिससे एनसीईआरटी आपको बताती है कि यहां पर ऊपर की तरफ आपको ऐसे करके सिस्टम दिखेगा। ये लगातार नीचे से प्रेशर से एयर भेजते रहोगे, तो जैसे होता है ना पानी के अंदर, अपने वो घर पे पहले जब हम छोटे थे तो हमें जूस का गिलास देते थे स्ट्रॉ लगा के, तो हम पीने की बजाय फूंक मारते थे जोर से तो बुलबुले उठते थे पानी के अंदर, वही वाला सेम के सीन यहां पर है। यहां तो हम बुलबुले उठने नहीं दे रहे थे क्योंकि हम लगातार इसे हिलाते ही जा रहे हैं, हिलाते ही जा रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि हम इसको हिलाने के बजाय हम नीचे से क्या दे रहे हैं, इसको बुलबुले बनवाते जा रहे हैं, जिससे ये पूरा का पूरा पानी जो लिक्विड है वो अपने आप ही कल्चर जो है वो हिलता जा रहा है। इसमें ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक है, न्यूट्रिशन भी नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहा, और आपका काम ये हो रहा है कि आप लार्ज स्केल पर इससे प्रोडक्शन भी लेते जा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखनी होगी बात, है ना। ये दो डायग्राम एनसीईआरटी ने आपको समझाए हैं। इसे एनसीईआरटी ने कहा है सिंपल स्टायर टैंक और इसे कहा है स्पार्स्ड स्टायर टैंक, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और इसमें आपको समझना होगा कि भाई एक सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपका इसमें बैक्टीरिया जो है बच्चे उसकी अच्छी खासी ग्रोथ होगी, आपने एक बार कल्चर डाल दिया तो क्या आपको दोबारा कल्चर नहीं डालना है, बताइए हमें दोबारा कल्चर डालना है। लेकिन अंदर प्रोडक्शन अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है ये आप कैसे पता लगाओगे, इस टैंक में प्रोडक्शन अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा, तो कैसे आप मतलब वो करोगे। तो आप बताओ कि यहां पर एनसीईआरटी हमें दिखाती है कि भाई लगा हुआ है एक सैंपलिंग ट्यूब, इस सैंपलिंग ट्यूब से आप बताइए टाइम टू टाइम सैंपल लिया जाता है लिक्विड का, और उसमें फिर लैब के अंदर जाके चेक किया जाता है कि भाई इसमें ये जो सैंपल हमने लिया है इसमें कितने बैक्टीरिया है। जैसे हर बार मान लीजिए मैं 50 ml का सैंपल लेता हूं, हर 2 घंटे में, हर 2-4 घंटे में, एग्जाम्पल ले लीजिए टाइम का आप, मैं सैंपल लेता हूं बच्चे 50 ml का, 50 ml में मुझे पहले मिल रहे थे 50 बैक्टीरिया, ठीक है। अगली बार मैंने सैंपल लिया वो 40 हो गए, अगली बार मैंने सैंपल लिया 30 हो गए। इसका मतलब लगातार अंदर न्यूट्रिशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ने की वजह से वो न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं। तो बोलो एक टाइम के बाद हमें इसे फिर से क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा नीचे। ये जो वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व से हम इसको क्या करेंगे, खाली करेंगे, और खाली करके इसको दोबारा फिर से भरेंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट, पहले इसको स्टीम से क्या कर देंगे, स्टेरलाइज कर देंगे, और स्टेरलाइज करने के बाद इसे फिर से हम भरेंगे और सेम प्रोसेस को क्या करेंगे, दोबारा आगे कंटिन्यू करेंगे। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई आप ये सोचो कि इसे पूरा खाली ना करके, पूरा खाली मत करो, आप इसमें क्या करो, छोटा थोड़ा सा 100 ml 500 ml का लिक्विड अंदर छोड़ दो और उसमें कुछ बैक्टीरिया भी रह जाएंगे, और नया जो है बच्चे हमारा कल्चर मीडियम इसमें फिर से भर दो। अगर आप लगातार कंटिन्यूस इससे क्या करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन बनाते ही जा रहे हैं, एक तो क्या हुआ कि बायो रिएक्टर को मुझे बार बार यूज करना है अलग अलग आरडीएनए के लिए या अलग अलग होस्ट सेल के लिए, तो मैं क्या करूंगा, हर बार इसे खाली करूंगा, हर बार दोबारा भरूंगा। लेकिन अगर मुझे सेम बैक्टीरिया से लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन चाहिए तो मैं इसको खाली बार बार क्यों करूंगा, मैं थोड़ा सा लिक्विड अंदर छोड़ दूंगा, उसके बाद इसमें नया कल्चर डाल दूंगा और फिर से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। उतने टाइम के बाद, 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद, जैसे मुझे लगेगा, मैं फिर से इसे खाली करूंगा, थोड़ा सा लिक्विड छोड़ दूंगा, नया कल्चर फिर से डाल दूंगा। यही काम लगातार चलता ही रहेगा, चाहे आप सेम के लिए प्रोडक्शन करवा लो, चाहे आप अलग अलग के लिए प्रोडक्शन करवा लो। इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई ये काम तो आपका हो गया, अब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी कहती है इसके बाद चलेगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होते हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना, लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का हमारे यहां से। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस की। बात है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होते हैं, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बताइए कि जब आप इस स्पार्ज स्टीयर टैंक हो या सिंपल स्टीयर टैंक हो, इसके अंदर जब आपने बच्चे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर लिया है, तो आप टैंक को खाली भी तो करवाओगे,
हाँ आप बताओ, हमारे पास ये क्या था कि भाई ये हमारे पास टैंक था सिंपल, स्टीयर टैंक था। बताइए इस टैंक को हमने अब क्या करना है, वॉल्व की हेल्प से, हाँ किसी हमारे मीडियम में या किसी बीकर में, जार में हमने इसे बाहर निकाल लिया। ये बोलो हमारा कल्चर जो इसके अंदर था, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और हमारे प्रोडक्ट थे, उसको हमने यहां से अलग कर लिया। प्रोडक्ट को अलग करने के बाद, प्रोडक्ट को मतलब यहां से कल्चर को बाहर निकालने के बाद, आप सबसे पहले क्या करोगे, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेट करोगे। तो बोलो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जैसे मान लेता हूं वो प्रोडक्ट मेरा प्रोटीन था। अब आप बताइए कि आरडीएनए टेक्निक से क्या आप अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स बनवाते हैं? बोलो हाँ, हम अलग अलग डिजायर जीन से अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनवाते हैं। तो मान लीजिए यहां से मैं कोई एक्स प्रोटीन बनवा रहा हूं, लेकिन आप सोच के देखिए, जब हम यहां से प्रोडक्ट अलग करेंगे बैक्टीरियल सेल के, तो क्या वो प्रोडक्ट केवल और केवल बैक्टीरियल सेल का वही डिजायर जीन का प्रोडक्ट होगा या पूरी बैक्टीरियल सेल का प्रोडक्ट होगा? तो हम कहते हैं कि भैया वो तो पूरी सेल का ही प्रोडक्ट होगा। तो फिर क्या करना है, बोलो यहां से हमें करना है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इसे हम क्या करेंगे, प्योर करेंगे, मतलब ये है हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है उसे हम अलग करेंगे। अब बच्चा कहता है कैसे? अब इसमें ना एक बात समझना बच्चे, कि रिकॉम्बिनेंट जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप याद रखिए कि डिफरेंस डिफरेंट प्रोसेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए ये अलग अलग तरीके से चलेगा, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट भी और प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट भी। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो अब आप बताएंगे कि भाई अब हमें क्या करना है कि जैसे ये प्रोडक्ट है ये खराब ना हो, लंबे टाइम तक ये प्रोडक्ट चले, तो हम इसका क्या करने वाले हैं? अब बोलो अब हम इसे करने वाले हैं बच्चे प्रिजर्वेटिव्स के साथ रखने का काम। प्रिजर्वेटिव्स के साथ इसको क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, ठीक है, फॉर्मुलेशन कर देना है इसका। अब जैसे ही आपने इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए, हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी है, लंबे टाइम तक रहेंगे, तो अब आप इसे गुजारेंगे बोलो अपनी क्वालिटी चेक से, क्वालिटी चेक से कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है आप इस पे चेक करेंगे। क्वालिटी चेक कैसे होगा, टेस्ट और कंट्रोल्स कह सकते हैं इसको। मान लीजिए कि भाई पहले ह्यूमन के लिए मान लीजिए इंसुलिन का या किसी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप उसे किसी चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, है ना, तो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। पहले आप यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, हाँ क्वालिटी चेक करेंगे, मतलब यहाँ आप इसका टेस्ट करेंगे, इसका कंट्रोल देखेंगे कि प्रोडक्ट सही है या नहीं है लैब के अंदर, मतलब आगे का काम सारा का सारा लेबोरेटरी के अंदर चल रहा है। फिर उसके बाद बताइए आप इसकी करेंगे पैकेजिंग, और पैकेजिंग करके इसे आप उतारेंगे मार्केट में। तो आपको यह समझना है कि भाई जैसे हमने कहा कि पहले तो हमने सिंपल स्टेट टैंक जो था उससे हमने सारा का सारा कल्चर साथ में बाहर निकाल लिया, इसमें कल्चर भी आ गया, इसमें बैक्टीरिया भी आ गया, और उसमें से हमने हमारे प्रोडक्ट का क्या कर लिया, सेपरेशन। सेपरेशन करने के बाद प्रोडक्ट का क्या कर लिया, प्यूरिफिकेशन, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें कौन सा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो कि हमने बनवाया है आरडीएनए टेक्निक से। तो डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट याद रखिएगा, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग क्या रहेंगे ये, हाँ। और उसके बाद इसे ऐड कर दिया जाएगा बोलो प्रिजर्वेटिव्स के साथ, प्रिजर्वेटिव्स के साथ, और फिर आप बताएंगे इसको निकालेंगे हम क्वालिटी चेक से, मतलब टेस्ट और कंट्रोल्स इसके देखेंगे कि भैया टेस्ट करेंगे इसको, कंट्रोल देखेंगे इसका बॉडी पर कैसा है या असर कैसा पड़ रहा है। उसके बाद फिर हम बच्चे इसे करेंगे पैक, और पैक करके इसको उतार देंगे मार्केट में। और बताइए ये वाला जो प्रोसेस होता है सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, पूरे क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद का सारा काम तो ये क्वालिटी चेक का हो गया, ये मार्केटिंग का हो गया, ये क्वालिटी चेक का काम हो गया, ये मार्केटिंग का हो गया। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस में आपको बताना है सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट वाले प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लाइन टू लाइन ऐसी बातें सारी मिल जाएंगी।
ये आपका बच्चे बायोटेक्नोलॉजी, हाँ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है बच्चे वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एप्लीकेशंस वाला चैप्टर शुरू करेंगे और बहुत ही कम टाइम में भी हो गया ये। अगर आप देखें तो 40-40 मिनट की, 30-35 मिनट की 5 क्लास है, तो कुल मिला के 3 लेक्चर के अंदर ये खत्म हो गया। और ये सच बात है बच्चे की एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल इतना ही है, एग्जाम में इससे बाहर जब ज्यादा बातें नहीं पूछी जाती हैं। और लगातार मैं मेरे चैनल टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे एक्चुअली पीडीएफ शेयर नहीं होती तो टेलीग्राम पे ज्यादा डाल रहा हूँ। लगातार मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी बना बना के दे रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड प्योरली, आप उसे सॉल्व करते रहिए बच्चे, है ना। तो अगला टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस वाला चैप्टर शुरू करेंगे, और साथ ही साथ मैं बायोमोलिक्यूल्स और प्लांट डाइवर्सिटी भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ अभी इन्हीं दिनों के अंदर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।